तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल हाइप यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए मैं लाऊँ सोनी का MDR-XV450 का हेडफोन, जो कि लगभग से 1600-1700 अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपये के अंदर ही आ जाता है। तो ये हेडफोन पे फिलहाल तो मैंने 1500 रुपये में लिया है एग्जैक्टली, जो कि जनवरी में सेल लगा था रिपब्लिक डे के अंदर। तो यदि आप भी लेना चाहते हैं ये हेडफोन को अपने लिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर डायरेक्टली अपने लिए बाय कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं इसके अनबॉक्सिंग की और देखते हैं इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि देख सकते हैं ये हमारे पास बॉक्स आ चुका है, तो चलिए सबसे पहले तो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर अपने रैपर को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद चलिए यहाँ पर सील को ब्रेक करने के बाद इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो जैसे कि बॉक्स ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर एक और बॉक्स मुझे देखने को मिल रहा है, जो कि ब्लैक कलर में है। तो चलिए इसे भी ओपन कर लेते हैं। तो काफ़ी प्रीमियम बॉक्स पैकेजिंग के साथ आता है और इसे खोल लेने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर कुछ गाइड यूज़र मैनुअल दिए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और नीचे कुशन दिए हुए हैं दो। और राइट साइड में देखें तो यहाँ पर आपका मेन हेडफोन देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये मेरा रेड कलर का हेडफोन है। तो ये काफ़ी कूल दिखता है और इसका डिज़ाइन आप देख पाएंगे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है देखने के लिए। तो चलिए इसके प्लास्टिक रैपर को निकालते हैं और इसके वायर क्वालिटी भी आपको मैं दिखा दूंगा। तो ये जैसे कि हमारे पास हेडफोन देख सकते हैं आप, और यहाँ पर इसका कुशन काफ़ी बड़ा साइज़ में दिया गया है, जो कि आपके पूरे ईयर को ढक देगा ताकि आपको अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाए। तो चलिए हम यहाँ प्लास्टिक को खोल लेते हैं और देखते हैं इसका वायर क्वालिटी किस तरह का है। तो ये लगभग से रबराइज फिनिश का आता है वायर, जैसे कि फिलहाल आप लोग अभी देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर 3.5 mm ऑडियो जैक है, जो कि गोल्ड प्लेटेड है और ये एल शेप में है, तो ये काफ़ी ड्यूरेबल होने वाला है, मतलब कि आपका ये हेडफोन काफ़ी लंबे समय तक चलेगा आपका ये 3.5 mm जैक। तो चलिए इसके वायर क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि ये फ्लैट टाइप केबल है जो कि आपके कभी उलझेगा नहीं। और मैं आपको बता दूं कि इस हेडफोन में माइक्रोफोन नहीं है, तो आपको फ़ोन के इनबिल्ट माइक्रोफोन से आपको कॉल रिसीव या मतलब आपको जो भी करना है माइक्रोफोन से रिलेटेड काम, वो आपके फ़ोन से होगा। इस हेडफोन के अंदर आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको एक्सटेंशन के लिए दिया गया है लेफ्ट और राइट साइड में, जहाँ पर से आप अपने हेड के अनुसार आपने हेडफोन को बड़ा या छोटा कर सकते हैं और अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी को, तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है इसका डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इसका इस प्राइस रेंज के अंदर डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी। और इसका साउंड इफेक्ट तो काफ़ी तगड़ा है, आपको मैं लास्ट में इसका सैम्पल दिखा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले तो पढ़ते हैं इसके लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी की ओर। तो काफ़ी रेड कलर में अट्रैक्टिव दिखता है, और इसका जो 3.5 mm जैक है वो तो काफ़ी ड्यूरेबल है ही, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर बॉक्स में आपको यहाँ प्राइस देखने को मिलेगा 2190 लिखे हुए, लेकिन आपको इसे ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स में काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाएंगे। आप चाहे तो ऑफलाइन स्टोर से भी ले सकते हैं, वहाँ भी आपको काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाएगी। तो ये डिपेंड करता है आपको कौन सी शॉपिंग वेबसाइट में जाना है और कौन सी ऑफलाइन स्टोर में जाना है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके और अनेक फीचर्स की ओर। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलती है, जो कि आप फिलहाल अभी डिस्क्रिप्शन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये सारे फीचर्स अवेलेबल है, जो कि काफ़ी इस प्राइस के रेंज के अंदर इस कंपनी का हेडफोन लेना काफ़ी लाभदायक है। तो जैसे कि सोनी ब्रांड आपको आप अपने लोगों के लिए आईफोन की तरह माना जाता है, तो काफ़ी अच्छा ब्रांड की तरह बोल सकते हैं, मतलब हेडफोन के रेंज में आप सोनी, JBL, फिलिप्स, ये सारे सब बहुत सारे आते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करके देते हैं। तो चलिए ये तो सारे हो गए हमारे हेडफोन के सारे डिटेल्स स्पेसिफिकेशन। तो ये सब को साइड रख के अब मैं सिंपली आपको डायरेक्टली यहाँ पर दिखा देता हूँ इसका साउंड क्वालिटी। तो चलिए बढ़ते हैं साउंड क्वालिटी की ओर।
तो जैसे कि आप लोगों ने साउंड क्वालिटी सुना, काफ़ी अच्छा आपको सुनने को मिलता है। और अब हेडफोन का होल देखने को, आपका वहाँ से हवा निकलता है, मतलब कुशंस को दबाए हवा निकलेगा। कुछ किया गया है लेकिन मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए, ये वीडियो था अनबॉक्सिंग और रिव्यू का, और मुझे साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा लगा और इसका 3.5 mm जैक काफ़ी अच्छा था। और मैं इसकी एक कमी भी बताना चाहूँगा कि ये जो वायर क्वालिटी है वो मतलब थोड़ा सॉफ्ट है, थोड़ा हार्ड रहता है तो थोड़ा काफ़ी अच्छा लगता फील में। और ये जो इसका वायर है वो थोड़ा पतला पतला नहीं बोलूँगा, मतलब थोड़ा चीप टाइप लग रहा है, मतलब थोड़ा प्लास्टिक की टाइप बनाया गया है तो थोड़ा चीप लग रहा है छूने के बाद। तो उतना ज़्यादा उसका डीमेरिट नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको ये हेडफोन लेना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ जाके परचेज कर सकते हैं सिंपली। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को साउंड टेस्ट पता लग गया होगा और इसके साथ साथ इसके सारे स्पेसिफिकेशन पता लग गए होंगे। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, बी हेल्पफुल एंड हेल्प अदर्स। गुड बाय।